नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान रमण महर्षि ने जो साधकों को उपदेश दिया वो उपदेश सार का ग्रंथ का हम श्रवण मनन कर रहे हैं। तो आज चलो एक श्लोक आगे चलते हैं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम कर्म किम परम कर्म तज्जडम। तो जो श्लोक है वो 16वां है, तो ऐसे मैं पढ़ता हूँ। दृश्यवारितम चित्तमात्मना चित्तदर्शनम तत्वदर्शनम। भगवान बताते हैं कि चित्त जो है वो क्या है और दृश्य क्या है, तो मैं पढ़ता हूँ और फिर उसका हम विवरण करते हैं। ये जो बात है वो सत्संग है। लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आप जो सत्संग कराते हैं उसका क्या फल है, तो मैं लोगों को बताता हूँ, पहले तो फल की इच्छा छोड़ दो। भगवान गीता में बताते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्या फल मिलने वाला है। आपका जो समय है वो प्रभु में बीत रहा है, आपका जो समय का सदुपयोग हो रहा है। यदि आप टीवी देखते हैं, लोग मुझे पूछते हैं कि गुरु जी श्रवण मनन से क्या होता है, तो मैं उनको बताता हूँ कि आपकी चित्त जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो भगवान ने क्या बताया वो हम लोग अभ्यास करते हैं। दृश्य से परावृत निवृत्त होके चित्त को अपने चैतन्य स्वरूप में आत्मा का दर्शन होता है और इसी को ही तत्व दर्शन कहते हैं। देखो दो बात हुआ है उसमें। पहली बात है दृश्यवारितम चित्तमात्मनम, चित्त अभी जो चित्त है तो उसका जो दर्शन होता है, तो प्रभु बोलते हैं तत्व का दर्शन है। तो तत्व क्या है, तो अपने वेदों में बताया कि तत्व एक है और वो ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्म ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम इदम शरीरम न अस्ति, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं। ये जो बात है तो वो उदाहरण भी बताते हैं। भगवान ने हमको स्टेप बाय स्टेप बताया कि ऐसे ऐसे साधना करो। अभी आप साधना कर रहे हैं, पहले मंत्र जाप किया, फिर प्राणायाम किया, फिर धारणा ध्यान समाधि, अपने जैसे वो श्लोक में बताया ऐसे अपने साधना करते रहते हैं। तो वो साधना के बाद एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपका जो मन है वो मन का नाश हो जाता है, मीन्स कुछ न चाहिए। ऐसा होने के बाद अभी क्या होता है, तो भगवान बताते हैं यदि ऐसी स्थिति आ गई तो दृश्य से परावृत हुए चित्त को अपने चैतन्य स्वरूप का दर्शन होता है। देखो ये अनुभूति का विषय है। अनुभूति का मतलब ऐसा समझो कि आप जो कर रहे हैं, आप जो साधना कर रहे हैं, तो एक आदमी है उसने, जैसे दो लोग है तो एक आदमी ने खाना खा लिया और एक आदमी को खाना देने का बाकी है, तो फिर एक बोलते अभी खाना खा लो, दोनों को बोलता है। तो एक आदमी बोलता है कि मेरा पेट भर गया है, मैं संतुष्ट हो चुका हूं। तो जो आदमी भूखा है उसको संतुष्टि का अनुभव कब होगा, उसी को तब संतुष्टि का अनुभव होगा जब वो खाना खा लेगा। तो ये जो श्लोक आप समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो साधना की अंतिम स्थिति है। मगर आप मन में ऐसे समझ सकते कि ऐसा ऐसा हो सकता है, हो सके कि यदि आप अपने आप साधना करते तो थोड़ा सावधान रहना। तो सावधानी इसलिए है कि गलत अर्थ न निकाल दे। तो गुरुजनों हमको बताते हैं और भगवान रमण महर्षि ने एकदम सीधी बात बताई है कि दृश्य से, अभी देखो मैं, आप मुझे देख रहे हैं तो आपके लिए क्या है कि मैं दृश्य हूं और आप दृष्टा है, मगर आपकी आंखें जो है वो देख रही है, तो आंखें जो है वो दृश्य है और मन दृष्टा है। अभी आपको मन के बारे में भी मालूम पड़ता है, तो आपका जो चित्त है वो दृष्टा है और आपका मन जो दृश्य है वो धीरे धीरे अंदर की बात बताते हैं। अभी चित्त जो है वो चैतन्य स्वरूप है, इसलिए जब आपको चैतन्य अपना स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तभी ये अनुभूति होती है कि दृश्य से परावृत। परावृत का मतलब है कि रिटर्न आ जाता है, रिटर्निंग टू योर सेल्फ। तो चित्त को अपने चैतन्य स्वरूप का दर्शन हो जाता है। आपका स्वरूप क्या है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो यदि एक आदमी है उसी को आनंद आता है तो उसको भोजन से आनंद आता है, फिर कोई आदमी को बोलता है कि मैं इधर से हिमालय जाता हूँ, इधर दर्शन करने के लिए जाऊँ, तभी आनंद आता है। तो वो जो दृश्यावलंबन है,
तो उसी उसी आना। एक बोला आदमी बता कि मैं जॉब करता हूं मुझे आनंद आता है, तो वो स्वरावलंब वो अवलंबन है, मगर बिना अवलंबन यदि आपको आनंद आता है तो वो आनंद है, वो ब्रह्मानंद है, परमानंद है, वही नित्य आनंद है। तो उसी को ही तत्व दर्शन कहा जाता है। अभी जब तत्व दर्शन की बात आती है तो तत्व क्या है, तो तत्व जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक बार मेरा मंदिर में प्रवचन था, तो शंकर भगवान का मंदिर था, तो मैंने उनको एक श्लोक बताया, वो श्लोक आप भी जानते होंगे, मनो बुद्धि अहंकारम चित्तानि नाहम, मैं मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ, चित्त नहीं हूँ, न मे मृत्यु शंका न मे जाति वेद, मुझे मृत्यु की भी शंका नहीं है क्योंकि मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ये बात क्या आता है, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवो अहम। तो ये श्लोक समझाते मैंने पूछा कि इस जितने भी ऑडियंस है, मैं आपको भी पूछ रहा हूं कि आपको कभी लगता है कि मैं परमात्मा हूं, तो आप बोलेंगे अरे गुरुजी ऐसा कभी लगता है, और लगे तो गलत भी है, मगर श्रुति अपनी जो माँ भगवती है वो बताती है कि आपका जो शरीर है ना वो नहीं, शरीर के पीछे जो चैतन्य है वो परम तत्व है। आप बोल सकते हैं, उसी स्थिति में बोल सकते हैं, आतामी पूर्ण जालवा है, मैं पूर्ण हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, उसी स्थिति वो स्थिति आपकी आ सकती है। इसलिए आपको ये जो वही तत्व दर्शन है, तो उसको मैं अपनी भाषा में आपको समझ में आ जाए ऐसी भाषा में यदि समझाऊं, तो आप समझ लीजिए कि ध्यान करते करते आपका मन शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। यदि आपका किसी ने अपमान किया ना आपको अपमान लगा, किसी ने आपका प्रशंसा किया आपको प्रशंसा से आपका जैसे क्या होता है अहंकार नहीं बढ़ा, तो समझना कि आप उसी स्थिति में है। तो जो विजन ऑफ रियलिटी है, आपको वो जो रियलिटी मालूम पड़ गया, तो वही आपको तत्व दर्शन है। आप किसी को बताने की बात नहीं है, वो समझने की बात है। आप समझ जाएंगे कि मुझे तत्व दर्शन हो चुका है। लोग मुझे पूछते हैं गुरुजी हमको आत्मदर्शन कब होगा, तो मैं उनको बताता हूँ कि मन में कोई भी कामना मत रखो। भगवद गीता में बताया है कि जो प्रजा हाथी यदा कामन सर्वन पार्थ मनोगतन, दूसरे अध्याय में है कि मन में कोई भी कामना है उसी को छोड़ दो, तो आत्मन्नेवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तद उच्यते, तो डिवाइन विल जो भी हुआ वो डिवाइन विल हुआ। ऐसा करके आप जीवन जिएंगे तो आपके जीवन धन्यता का अनुभव करेंगे। अस्तु, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ।